नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता और प्रीता के साथ में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अंजलि की फाइट होती हुई नजर आती है, वो भी पूरे ही पुलिस थाने के अंदर। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय अर्जुन को ये विश्वास दिला देती है अंजलि की मुझे धमकी दी जा रही है और प्रीता मुझे धमकी दे रही है, जो कि पुलिस वालों के सामने। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय अर्जुन और भी ज़्यादा गर्म होता हुआ नजर आने वाला है प्रीता के ऊपर, क्योंकि प्रीता के ऊपर गर्म होने का उसका मकसद भी सही है, क्योंकि अंजलि को धमकी कोई नहीं दे सकता। लेकिन वाकई में असली बात तो यह है कि प्रीता धमकी नहीं दे रही थी, बल्कि वो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजलि ने बोल दिया है ये मुझे धमकी दे रही थी। क्योंकि दोस्तों कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से अंजलि का बदला जो लेगी, वो अंजलि का बदला लेने के लिए अब जो एडवोकेट हायर किया था, उस एडवोकेट ने भी प्रीता से मना कर दिया कि प्रीता मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लिए केस नहीं लड़ूंगा, बल्कि तुमसे खिलाफ केस लड़ूंगा। जी हाँ, क्योंकि वो अर्जुन सूर्यवंशी के लिए केस लड़ता हुआ नजर आएगा और वो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इस केस को मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा, क्योंकि अंजलि की जीत दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और वाकई में प्रीता इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में भी है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि ऋषभ इस समय जेल के अंदर है और ऋषभ इस समय बस यही प्रे कर रहा है कि किसी भी तरीका से यहाँ से मेरी निकासी हो जाए। लेकिन दोस्तों जेल से निकलना अभी इतना आसान नहीं है जितना आसान ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सोचना ये है कि हम जल्द से जल्द जेल से निकल जाएंगे, लेकिन जेल से नहीं निकलना होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रीता एक बार फिर से कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी और ऋषभ के लिए आखिरी लड़ाई तक लड़ती हुई नजर आने वाली है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।